हर हर महादेव जय भोलेनाथ नमस्कार मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों दस तारीख यानी कि दस फरवरी से गुप्त नवरात्रि माघी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से कैसे हम माँ से अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं तो देखिए ये बिल्कुल साधारण आसान विधि है जैसे कि आप अपने घर में आसानी से पूजन कर सकते हैं सर्वप्रथम जैसा कि नाम से ही पता है सारी बातें गुप्त रखना है एक चौकी लगा लीजिए अगर घर के मंदिर में ये सारी व्यवस्थाएं हैं चौकी वगैरह तो लगी ही रहती हैं माता की मूर्ति फ़ोटो है तो आप वहीं पर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है आप वहीं पर ये सारी पूजा पाठ कर सकते हैं तो उसके लिए होना चाहिए माँ की एक मूर्ति फ़ोटो कुछ भी देखिए कुछ लोग कलश रखते हैं कुछ बिना कलश के रखते हैं तो दोनों ही तरीके से पूजन हो जाता है यदि आप कलश रख के करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं रखते हैं तो भी आप इस तरीके से साधारण विधि से जो मैं बताने जा रही हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले मिट्टी का तांबे का या फिर पीतल का एक कलश ले लीजिए कलश पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैसे कलश रखा जाता है फिर भी मैं विधियाँ बता देती हूँ आप रखना चाहें तो उस तरीके से रखें और नहीं तो साधारण विधि से चुपचाप माँ की जो फोटो मूर्ति है उससे पूजन कर लें और हाँ दोस्तों वीडियो में जो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ एक चीज़ और कहना चाहती हूँ दोस्तों आ, मैं जो है वो नौ तारीख को लाइव आकर गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय तथा बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो समय है तो आज रात को यानी कि नौ फरवरी को साढ़े बजे लाइव जरूर आइएगा उसमें आपको बहुत सारे आपके काम की बातें होंगी और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कलश रख लेंगे कलश के गले में जैसा कि जानते हैं मौली एक मौली धागा होता है वो डाल देंगे मतलब पहना देंगे उसके बाद कलश को गंगा जल से भर देंगे गंगा जल मतलब जो थोड़ा जल मिलाएंगे फिर गंगा जल मिलाएंगे फिर उसमें हल्दी सिक्का सुपारी डाल देंगे बार बार कह रही हूँ कि ये सब प्रोसेस मतलब कलश रखने वाला काम यदि आपकी इच्छा हो तो आप ना भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है बिना कलश के भी गुप्त नवरात्रि के पूजन किया जाता है इसमें मुख्य चीज़ ये होता है दोस्तों कि हम जो है वो कितने मंत्र पढ़ेंगे ये गुप्त तरीके से ग्यारह जो सॉरी ग्यारह माला हो गया या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ठीक उसी भांति जैसे आप करते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तती कैसे पढ़ना है ये चैनल पे मैं डाल सकती हूँ डाल चुकी हूँ दुर्गा सप्शती कैसे पढ़ें मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो शायद वो वीडियो आपको मिल भी जाए तो कलश रखना हो तो रख लीजिए नहीं तो वो सब कुछ मिला करके मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जपना है हमें माँ की पूजा पूरे दिल से आराधना पूरे दिल से करना है तो जैसा कि हल्दी कुमकुम वगैरह सब कुछ जो है छिड़क देंगे कलश उसी के ऊपर रखेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें शुभ होती हैं तो आपकी इच्छा हो तो ये सारा काम करिए नहीं तो आप साधारण विधि से घर के मंदिर में मंत्र वगैरह जपते रहिए एक काम है जो कि आपको प्रतिदिन करना है माँ की आरती या फिर दुर्गा सप्तती का जो भी पाठ करें वो आप नौ दिन तक करने का संकल्प लेंगे नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो रहा है वो है दस फरवरी से दस फरवरी से माघी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तो ऐसे में हमें जो है माँ की आराधना पूरे मन से दिल से और पूरे विश्वास के साथ करना है क्योंकि देखिए इसमें ना चमत्कार बहुत तेज़ होता है जो माघी गुप्त नवरात्रि है इसमें बहुत तेज़ चमत्कार होता है गुप्त तरीके से जब हम साधना करते हैं तो चीज़ें जल्दी फलीभूत होती हैं एक काम कर लीजिएगा जिन लोगों को लक्ष्मी जी की कृपा है वो भी चाहिए वो लोग भी इस गुप्त नवरात्रि का फायदा उठाएं माँ की आराधना के साथ साथ महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें साथ साथ दोस्तों नौकरी नहीं मिल रही है व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है घर में बहुत किचकिच -किच है तो बस आज के लाइव में आज जो है लाइव में जुड़िएगा आज ये सब जो समस्याएं हैं उनकी समाप्ति की तरफ माता रानी से प्रार्थना करेंगे और कुछ विशेष चीज़ें करेंगे और माता रानी उम्मीद करती हूँ कि हम सबकी समस्याएं दूर करेंगी तो देखिए कलश वगैरह रखना हो रख लीजिएगा नहीं तो जो जो बातें बता रही हो उस तरह से करके माँ की आराधना कर लीजिएगा दोनों समय माँ की आरती करें यदि वर्किंग है नहीं कर पा रही हैं तो आप एक समय सुबह या शाम कभी भी विधिवत माँ की आरती करिएगा और ज़्यादा कुछ दस महाविद्याओं की साधना तंत्र मंत्र में नहीं लगना है ध्यान रखिए तंत्र प्रयोग जो होता है वो हमेशा गुरु की आ... अनुमति से होता है या फिर एक आपके पास मार्गदर्शक होना चाहिए जिसके अनुसार आप जो है कुछ साधना करें तो ये सब चीज़ें जो है जो दोस्तों थोड़ा कठिन है तो आप कुछ आसान विधि जो मैं बता रही हूँ आप उस आसान विधि से माँ की आराधना करें ताकि आपके काम भी पूर्ण हो जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो तो दोनों ही काम हमें करना ऐसा नहीं है कि कोई एक साधना करके हम उसका लाभ तो पा गए लेकिन भविष्य में वो चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं तो गौरी गणेश के बिना तो हमारा काम नहीं होगा यदि आप विधिवत पूजन करना चाहते हैं तो आप गौरी गणेश लगा दें और हाँ नौ दिनों तक कैसे पूजा करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ तो नौ दिनों तक केवल माँ को आप धूप दीप स्नान कराइएगा यदि पीतल की मूर्ति है तो उसके बाद धूप दीप माँ को सिंदूर यदि सुहागिनी पूजा करनी है तो धूप दीप सिंदूर लगाइएगा और यदि हमारी बच्चियां हैं जो कि किसी मनोकामना पूर्ति के लिए विवाह के लिए तो आप लोग माँ को सिंदूर नहीं लगाएं रोली लगाएंगे और इस तरह से करके माँ से तीज मनोकामनाओं की पूर्ति होती है इसलिए ही गुप्त नवरात्रि प्रसिद्ध है तो इस तरह से करके दोस्तों और हम अपना काम जो है माँ की आराधना पूजा करते हुए करेंगे अब रही बात कि हम व्रत रखना ज़रूरी है तो देखिए दोस्तों व्रत रखना जैसे कि कोई भी काम पूर्ण करने के लिए व्रत रखना अनिवार्य होता है लेकिन हम जो है इस साल व्रत जो नया प्रारंभ करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे तो व्रत नहीं रखेंगे तो लहसुन प्याज तो गलती से भी मत खाइएगा अगर खाइएगा तो उस टाइम पूजा मत करिएगा ये मैं आपको एकदम सख्त बता रही हूँ और जो लोग इस पूजन को अनुष्ठान को करेंगे वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे इस सब नियमों का ध्यान रखिएगा ये नहीं कि मैं यहाँ गई खाली ली वहाँ गई खाली कुछ नहीं वैसे तो गुप्त नवरात्रि की पूजा जो है हमें व्रत रख के करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाएंगे तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कदापि भूल कर आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा बहुत सख्ती से इन नियमों का पालन करिएगा और दोनों समय माता को भोग लगाइएगा स्नान कराइएगा धूप दीप सब कुछ करिएगा दुर्गा सप्तती का पाठ करना हो तो वो कर लीजिएगा और नहीं करना हो तो आप माँ से कोई प्रार्थना करके मंत्र जप सकते हैं उनकी आरती केवल और केवल नौ दिनों तक आपको इतनी ही पूजा प्रार्थना करना है माँ से आराधना करना है तो नौ दिनों तक आप इसी भांति माँ की आराधना और पूजन कर सकते हैं संकल्प जरूर कर लीजिएगा जैसे मैं हाथ में आपको लेके बता रही हूँ अक्षत लेके अपना नाम बोलिएगा स्थान बोलिएगा गोत्र बोलिएगा कोई ज़रूरी नहीं कि संस्कृत में बोला जाए हिंदी में बोलिएगा संकल्प मतलब एक एक भावना एक दृढ़ निश्चय कि हम क्या करने वाले हैं आप माँ से अपनी मनोकामना करते हुए आप जो है संकल्प में कहिएगा कि माँ मेरी ये काम पूर्ण कर दो हो सके तो आप जो है बिना संक आ, बिना किसी मनोकामना के भी माँ की आराधना कर सकते हैं ज़रूरी है कोई काम अटक रहा है तो आप जो है मनोकामना लीजिए माँ से और ले करके आप अपनी प्रार्थना पूजा करें पूरा करें लेकिन ध्यान रखें दोस्तों आप जो है अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि भोजन ना ही करें आप एक समय शाम को भोजन करें पूजा पाठ खत्म होने के बाद ठीक है बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्जी ठीक है अब चलिए दूसरी चीज़ जान लेते हैं दोस्तों कि आप माँ के सामने नौ दिनों का दीपक जो लोग जलाना चाहते हैं बहुत सारे कमेंट हैं तो नौ दिनों का दीपक क्या हम जला सकते हैं जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आपकी जितनी श्रद्धा है नहीं तो केवल सुबह शाम माँ के सामने दीप प्रज्वलित करें उस विधि से भी पूजा हो जाए बाद में माता दुर्गा की आरती करिए ध्यान रखिए मैं बार बार आपको आगाह कर रही हूँ तो शायद किसी को अच्छा लगे ना लगे लेकिन कोई साधना नहीं की जाती है जब तक आपके पास एक श्रेष्ठ गुरु ना हो जो आपको बता सके आपका मार्गदर्शन कर सके और हाँ दोस्तों आपको आपको वीडियो कैसी लग रही है वो बताइएगा अच्छी लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं किसी को अच्छा लगे या ना लगे मेरा काम है बताना और मैं आपको हमेशा आगाह करती रहूँगी तो आपको पसंद आती है बातें मेरी वीडियो मेरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो आप करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा तो ये थी दोस्तों साधारण विधि से माता दुर्गा की पूजा जो कि आप अपने घर में करिएगा और साथ साथ ना कलश रख पाए तो भी आप आसानी से पूजन करिएगा ना गौरी गणेश रख पाएं तो घर में जो गौरी गणेश है सबका पूजन करिएगा माँ को एक चुनरी चढ़ा दीजिएगा एक नारियल माँ के सामने मतलब छोटी विधि से सूक्ष्म रूप से भी आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं हो सके तो माँ को लाल चुनरी लाइए चढ़ाइए माँ को चूड़ियाँ लाइए श्रृंगार की सामग्रियाँ लाइए सब कुछ लाइए माँ को चढ़ाइए और हाँ अपनी भी आप जो है माँ की पूजा जब भी देवी स्वरूप की पूजा की जाती है तो अच्छे से तैयार होकर चूड़ी पहन लीजिए साड़ी पहन लीजिए तैयार होकर माँ की आराधना पूजा की जाती है माँ को इत्र भी चढ़ाया जाता है इससे जो है दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं जो कि इत्र मैं दिखा रही हूँ ये दूर होती है तो आप लोग भी ऐसा कर लीजिएगा और पूरे साल अपने भी इत्र का इस्तेमाल करते रहिए इससे शुक्र मजबूत होते हैं तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी तो मैं चढ़ाऊंगी माँ को इत्र और देखिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपके सामने है तो मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए दस फरवरी को सुबह आठ बजकर चौवन मिनट से और सुबह दस बजकर दस मिनट तक रहेगा एक घंटा पच्चीस मिनट तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो है वो दोपहर बारह बजकर तेरह मिनट से रहेगा तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और उसी मुहूर्त के अनुसार आप कलश स्थापना करना चाहें है, तो कर लीजिएगा नहीं तो पहले दिन की पूजा जो है आप उसी मुहूर्त में प्रारंभ करिएगा इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा को लाल पुष्प जरूर चढ़ाया जाता है दोस्तों गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं गुलाब का चढ़ा सकते हैं कमल का चढ़ा सकते हैं इससे भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हां एक बार फिर याद दिला दो दोस्तों अगर टाइम है और चाहते हैं कि हमारा काम पूर्ण हो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आज के लाइव में जुड़िएगा आपके लिए काफी फायदे की बातें वहां होने वाली हैं रात को साढ़े आठ बजे नौ तारीख को तो चलिए अब मिलती हूं आपसे अन्य वीडियो में धन्यवाद हर हर महादेव